सदी का भारत कैसा होगा, वैज्ञानिक या अंधविश्वासी? देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। आज जहां विश्व की सारी सभ्यताएं अपने विकास के लिए वैज्ञानिकता पर निर्भर हैं, वहीं आज भी हमारे विकसित होते हुए भारत देश में वैज्ञानिकता के साथ आध्यात्म, दर्शन, शास्त्र, वेद और पुराणों का महत्व बरकरार बना हुआ है। एक ओर जहां भारत के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर पहुंचने तक को आतुर हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय लोग अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और अंधविश्वास को लेकर साथ चल रहे हैं। पूरे विश्व में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां एक ओर भारतीय लोग वैज्ञानिकता में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, वहीं आज भी हमारे भारतीय पुरानी परंपराओं को, देवी देवताओं को, वेद और पुराणों को, साथ ही साथ आसुरी शक्तियों को भी मान्यता देते हैं। इसके कई जीवंत उदाहरण हिंदुस्तान के कोने कोने में देखने को अक्सर मिल जाते हैं। ऐसा ही एक नजारा गोवर्धन के मुखराई गांव में देखने को मिलता है। यहां हम ना तो वैज्ञानिकता को तरजीह दे रहे हैं, ना ही किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। यहाँ हम केवल विश्लेषण कर रहे हैं इस बात का कि क्या वास्तव में आधुनिकता के साथ साथ पुरानी मान्यताओं को भी महत्व है या नहीं। कस्बा गोवर्धन के मुखराई गांव में एक महाराज ने अपना आश्रम सेवा भाव से दीन दुखियों के दुख को दूर करने के लिए खोला हुआ है, जहां पर वह बीमार लोगों का उपचार करते हैं, उनके ऊपर आई हुई आसुरी शक्तियों को दूर भगाते हैं, बदले में किसी प्रकार की दान दक्षिणा का लोभ नहीं रखते। उनके यहाँ हर गुरुवार को दूर दराज से आए हुए ऐसे ही हजारों भक्तों का तांता लगा रहता है, जो अपनी बीमारियों और समस्याओं को लेकर आते हैं और उनका निराकरण करके महाराज जी के गुण गाते हुए वापस जाते हुए दिखाई देते हैं। इन सबकी वास्तविकता का तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन जब हमारी टीम वहां पहुंची तो देखा कि वास्तव में हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी पीड़ाओं को लेकर जाहरवीर बाबा के नाम से चल रहे हैं। इस आश्रम में पहुंचते हैं, अपनी व्यथा बताते हैं और महाराज जी उनके दुखों का निवारण अपने तंत्र मंत्र और साधनाओं से करते हैं। गौर करने वाली केवल इतनी सी बात है कि जब बिना पैसे के ही लोगों की समस्याओं को इस प्रकार से समाधान हो जाता है, तो फिर आखिर डॉक्टर और वैज्ञानिकों की करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद इस पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब रह जाता है। हम यहाँ एक बार फिर कहना चाहते हैं कि ना तो हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं और ना ही डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की महत्ता को कम करना चाहते हैं। मोदी सरकार को इस वास्तविकता का पता लगाकर उचित निर्णय लेना चाहिए और पुरानी मान्यताएं, भक्ति और अंधविश्वास अगर सही है तो उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, और अगर वह गलत है तो इसकी जांच करके लोगों के अंधविश्वास को खत्म करना चाहिए, जिससे कि हमारे देश वास्तविकता में एक सही दिशा में आगे बढ़ सके। क्या नाम है आपका? प्रीति। कहाँ से आई हैं आप? जयपुर से। क्या बीमारी या परेशानी आपको थी? पेट में दर्द था 5 सालों से, अब ठीक है। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, तीसरी बार था यहाँ पे आना। यहाँ के बारे में आपको किसने बताया? यहाँ पे मैं अपने चाचा जी के संग आई थी, उन्होंने फर्स्ट टाइम यही दिखाया था, तब से आराम है मुझे। तो अब दिखा रहे हैं पापा, और सेकंड टाइम आके दिखा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ आपको आराम मिला है? हाँ, पहले भी दिखाया था कहीं पर, वहाँ पे इतना कुछ वो नहीं था, पर यहाँ पे पकड़ में भी आई बीमारी क्या क्या नहीं है, तो तब से आराम पड़ा। तो यहाँ पे महाराज जी ने क्या क्या बीमारी आपको बताई? ऊपर का चक्कर। ऊपर का चक्कर, उसमें आराम है अभी? अभी आराम है, अब कोई परेशानी नहीं है। क्या नाम है आपका? रोहतास सर। कहाँ के रहने वाले? राधाकुंड। ये जो महाराज जी की गद्दी लगती है, किस नाम से लगाते हैं? जारवीर जी की गद्दी लगती है, गुरु गोरखनाथ, श्री गुरु गोरखनाथ जी की कृपा। तो ये कितने साल से महाराज जी यहाँ गद्दी लगा रहे हैं? एक साल से। एक साल से। आप महाराज जी को कब से जानते हैं? मैं तकरीबन, वैसे तो मेरे मोहल्ले के ही हैं महाराज जी, संपर्क खास तौर से संपर्क मेरे 5 साल से हुए हैं इनसे। अच्छा जी। तो इस गद्दी को लेके या इस तरह के सेवा कार्य को लेके आपके संपर्क कितने सालों से महाराज जी से जुड़े? तब से गद्दी लग रही है इस कार्य में, तब से आप इनके साथ जुड़े हैं। हाँ। तो आपको कोई बीमारी परेशानी थी? नहीं। या वैसे ही? वैसे ही, मैं तो केवल सेवा भाव से आता हूँ। अच्छा, लोगों की सेवा भाव से काम करते हैं? जी हाँ। तो इसके लिए आपको किसी संस्था ने, एनजीओ वगैरह ने कांटेक्ट किया, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पे सुविधाएं दे सके? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं है? तो आपने कभी प्रयास किया इसके लिए? नहीं, हम ना तो हमने उनसे प्रयास किया, ना वो लोग हमारे पास कभी आए। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि इसको थोड़ा बड़े स्तर पे लेके जाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके? देखो, वो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर लाभ मिलेगा तो वो बाबा की कृपा है।
बड़े स्तर पे वो ही लेकर के जाएंगे। हम लोग कौन है जो हम ऊंचे स्तर पे लेकर के जाएं? नहीं, कभी गवर्नमेंट या किसी हम जब बाबा की हमारे ऊपर कृपा है तो हम उनसे ही कहेंगे, ना कि किसी गवर्नमेंट से हम कहेंगे। आप इन चीजों में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल रखता हूँ, आस्था है आपकी। क्या नाम है आपका? नाम दीपक कुमार। कहाँ से आए? गोवर्धन बड़े बाजार से। क्या परेशानी थी आपको? मैं तो दिमाग थोड़ा ऐसे ही डिस्टर्ब रहता था काम धंधे की वजह से, और दर्शन मेरा करने में एक डेढ़ महीने से आ रहा हूँ बाबा के दरबार में। यहाँ आपसे कोई किसी प्रकार का शुल्क लिया जाता है? किसी से कुछ नहीं, कभी नहीं। मैंने सुना भी है, देखा भी है। कितने महीने से आ रहे हैं आप? मैं करीब आ रहा हूँ डेढ़ महीने से, करीब आ रहा हूँ हर हफ्ते, मतलब डेढ़ महीने मतलब रिश्तेदार भी लगा। आपको फिर उसमें कुछ लाभ मिला? लाभ मिल रहा है, शांति मिल रही है, धीरे धीरे करके सुकून मिल रहा है। मैं रिश्तेदार को आता हूँ, बाबा से मुलाकात हो नहीं हो, मैं ढोक लगा के चला जाता हूँ घंटे आधे घंटे रुककर। आज जल्दी आ गया हूँ, बाकी लेट आता हूँ 7:30 बजे दुकान बढ़ा करके। क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम ये दशरथ जी महाराज है, दशरथ भगत जी, राधा कुंड निवासी हूँ। राधा कुंड, ये जो आप गद्दी लगाते हैं, हाँ जी, ये किस देवी देवता की उपासना करते हैं और किन के नाम से यहाँ पे आप गद्दी लगाते हैं? बाबा जारवीर के नाम से गद्दी लगती है, बाबा शिव गोरखनाथ के नाम से लगती है। बाबा जारवीर की कृपा होने से, आज से 3 साल पहले बाबा जारवीर की कृपा हुई थी, कृपा होने के कारण डायरेक्ट कृपा हुई थी। मैंने नहीं सेवा की थी बाबा की, नहीं कुछ किया था, बाबा की स्वयं कृपा हुई थी। कृपा होने के कारण बाबा शिव गोरखनाथ जी को स्वयं मुझसे मिला थे, स्वयं बाबा ने दर्शन दिए थे, शिव गोरखनाथ जी ने दर्शन दे के मुझसे बात की थी, बात करी, बाबा जारवीर ने मुझसे बात की थी, मुझको स्वयं दर्शन दे के मेरे घर वालों से बात की थी। बात कर कर बोला था बाबा, बोले थे 3 साल पहले, बेटा मुझे 2 साल बाद मुझे स्थान चाहिए, 2 साल का टाइम दिया था, तो मुझको 1 साल होगी गद्दी लगाते लगाते बाबा शिव गोरखनाथ जी के नाम से। इससे पहले आपकी गद्दी कहाँ पे लगती? कहीं नहीं लगती थी मुझको, डायरेक्ट बाबा ने सब विद्या सिखाया है, मैं किसी के पास नहीं गया। कितने वर्ष पूर्व? अभी मुझको 1 साल से गद्दी लगाते लगाते हुआ और बाबा की कृपा हुए 3 साल हो गए। 3 साल पहले आपको कहाँ पे बाबा ने दर्शन दिए? बाबा को घर पर दर्शन दिए थे, दर्शन दे के बात करी थी, सब बात करी थी मुझसे, 1 महीने दर्शन दिए और बाबा स्वयं शिव गोरखनाथ जी आके मुझको डायरेक्ट दर्शन दिए थे। तो उन्होंने आपको क्या आदेश दिया? आदेश दिया था, बेटे यहाँ पे दुखिया बहुत है, यहाँ ब्रज क्षेत्र में दुखिया बहुत है, हमारे गोवर्धन क्षेत्र में दुखिया बहुत है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े दुखिया, किसी में बच्चे नहीं होते, किसी सब बेटे ऊपरी हवा से परेशान है, किसी बहुत बहुत दूर से, और 50% डॉक्टरी बीमारियों में भी आराम मिलेगा। तो बाबा की कृपा से सब, इतना भी कोई भी बच्चे नहीं होते, कैसा भी डॉक्टर भी मने कर देते हैं तो भी बच्चे हो जाते हैं, सब बाबा जारवीर की कृपा से, बाबा शिव गोरखनाथ के आशीर्वाद से, बाबा शिव गोरखनाथ जी का पूरा आशीर्वाद है। मैं बाबा शिव गोरखनाथ जी का बच्चा हूँ, शिष्य हूँ। अभी महाराज जी, ये आप यहाँ पे जो गद्दी लगा के उपचार करते हैं, आप किन किन रोगों का उपचार यहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ पर ये रोगों का, किसी पे बच्चे नहीं होते, उसके बच्चे हो जाएंगे सब बाबा की कृपा से, और कैसे भी कोई भी मरीज है ऊपरी हवा से, कितना भी बड़ा रोग हो, उसको काकम सब ठीक हो जाए, कहीं भी ठीक नहीं होगा, बाबा की, बाबा नाथ गद्दी पे, यहाँ बाबा शिव गोरखनाथ जी के यहाँ ठीक हो जाएंगे, सब हो जाएगा। कहाँ कहाँ से आपके पास में भक्त लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं, दिल्ली आगरा माठ क्षेत्र मथुरा, बहुत बहुत बुलंद शहर से, राधा कुंड अड़ोस पड़ोस गोवर्धन से, बहुत बहुत दूर से आते हैं, दिल्ली आगरा से। और तो क्या अभी तक कुछ लोगों को इसका फायदा नहीं, बहुत देखने को मिला है? बहुत लोग ठीक हो गए, सब ये बैठे हुए, इनसे पूछो सब बताएंगे, कितना आराम है, कितना कहाँ खर्च किया, कितने साल किसको हो गए, सब बताएंगे, इनको पूछो ये सब बताएंगे। 1 साल मुझको हुआ है, मैं किसी से एक पैसा नहीं लेता, 24 घंटे बाबा की गद्दी बरकरार देता हूँ, बाबा की कृपा से मैं 24 घंटे। तो ये जो आप सेवा कार्य कर रहे हैं निःशुल्क करते हैं? निःशुल्क करते हैं, मैं किसी से 1 रुपये नहीं लेता हूँ, और जनता सेवा करता हूँ, और 24 घंटे ऐसी जगह में बैठा रहता हूँ बाबा, 24 घंटे 25 घंटे। क्या कोई सामाजिक संस्था या NGO इस कार्य में आपकी मदद करता है? नहीं, कोई नहीं करता, सामाजिक कोई नहीं करता, मैं डायरेक्टली मैं अपना कमाता हूँ, खाता हूँ, बाबा के लिए 2 दिन यहाँ पर देता हूँ, सुबह शाम पूजा करने आता हूँ, फिर 5 दिन मैं अपना काम करता हूँ, अपना काम करके अपने बच्चों को पालता हूँ, और 5 दिन का अपना भोजन करके किसी से पैसे नहीं लेता, 2 दिन यहाँ बाबा की जनता के लिए सेवा देता हूँ, 5 दिन में मैं बच्चों का राशन पानी करता हूँ। एक बार तो जैसा कि आपके यहाँ गांव में कुछ विरोधी भी होंगे जो इस तरह की अफवाहें या इस तरह की खबर उड़ाते हैं कि महाराज जी तांत्रिक क्रिया करते हैं, उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं देखो, वैसे कुछ नहीं है, इतने तो नहीं है, को तुम्हें पता है गांव गए 2-4 आदमी तो मिल ही जाते हैं, उनका कोई मुंह नहीं पकड़ा हुआ, सब तरह के कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो कैसे कहते हैं 100% में तो 20% तो हर गांव में खराब आदमी मिल जाते हैं, तो आप जानते हैं चीज। पप्पू सिंह कहाँ से आए? जयपुर से।
क्या बीमारी थी आपको? मेरी बच्ची की तबीयत खराब थी। कितने साल की बच्ची आपकी? बच्ची मेरी है 18 साल। 18 साल की बच्ची है। क्या परेशानी थी उसकी? उसके पेट में दर्द होता था, मैंने डॉक्टरों को दिखा दिया, सब कुछ करा लिया, जयपुर में भी दिखा दिया, कहीं सही नहीं। बड़े हॉस्पिटल में चेक कराया? हॉस्पिटल में दिखा लिया, SMS में दिखा लिया, कोई आराम नहीं मिला, कोई नहीं मिला। यहाँ पे कब से इलाज करा रहे हैं महाराज? मैं आया 3रा हफ्ता है मेरा, 3रा हफ्ता है। तो 3 हफ्तों में आपको कोई लाभ मिला यहाँ के? बहुत फायदा मिला मेरी बच्ची। अच्छा, और सही है अभी बिल्कुल। यहाँ पे बदले में आपसे कुछ शुल्क लिया जाता है? एक भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम हाँ भाई, इस लड़के पे कितने दिन से है तू, पहले ये बता। मेरे को तो बहुत साल हो। कितने दिन है गे? बहुत साल, जल्दी बोल बराबर। 45 साल से हूँ, पर ज्यादातर तो तोड़वा 5-6 साल से, 7 साल से तो मैंने इसको बर्बाद कर दिया। कहीं दिखाया नहीं ये लड़का? इस लड़के ने कहीं पे दिखाया नहीं किसी भगत को? बहुत जगह दिखा लिया ये है? बहुत जगह दिखा लिया, भगत बहुत छान मारे, बहुत छान मारे। तो परेशान क्यों करते हो? में नहीं आया कहीं? क्यों परेशान करते हो इन गरीब लोगों? कुत्ता भगत नहीं है वो, साला बेट पे बेट अड़ा रहा अभी। वो कुत्ता साला कमीना, उस साले ने मेरे को ठोकर मार के नहीं है इसके सिर पे बैठा रखा हूँ। मैं गुरु से बार बार कहता हूँ ये साला मेरे सिर पे बैठा हुआ है। बाबा मेरे को बचा रहे हैं, बाबा सहायता कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। भाई साहब मेरे पेट के अंदर लैटरिन करने जाता जब ये खून काटता था, ये बाबा की करामात है जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ और सही सलाम। अच्छे, अब इसको छोड़ के जाओगे? अब छोड़ के जाओगे इसके शरीर को? हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्या हमारा कोई यहाँ कोई नार नहीं गड़ गया? कब तक जाओगे? चले जाएंगे। कब तक? जब बाबा कह देंगे समय आ जाएगी। बाबा आज ही जाने को बोल रहे हैं, हम तो बाबा आज कह देंगे।